एक बार जोर डाक तालियां कश्मीर के लिए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज शाही महाजन, टुडे इज होस्ट फॉर दिस इवनिंग। इट्स विद इमेंस प्लेजर एंड ग्रेट ऑनर दैट आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू गैदर्ड हियर टू टुनाइट एज वी सेलिब्रेट द सिल्वर जुबली ऑफ पूजा टूर्स एंड ट्रेवल्स पूजा हॉलीडेज मुंबई। एक बार दिल से जोरदार तालियां। वाकई में बहुत कामयाबी इनको हासिल हुई है, बहुत ही इनका जो मकाम है मुझे लगता है बहुत ही ऊंचा है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत की वजह से। लेडीज एंड जेंटलमैन, 25 इयर्स एगो दिस जर्नी बिगन विद अ विजन टू रिडिफाइन ट्रैवल एक्सपीरियंसेस एंड टुडे वी स्टैंड प्राउडली having achieved numerous milestones and cherished memories with all of you, our valued partners and patrons. I would like to extend a special welcome for our guest of honor, Mr. Farooq Ahmed Hafiz, Chairman, 14 Years Club, Sonmark चैप्टर सुनोल एंड ग्रुप। जोरदार तालियां मिस्टर फारूक अहमद हाफिज के लिए। वाकई में इनका काम आज तक काबिले तारीफ रहा है, जितनी भी तारीफें इनकी की जाए बहुत ही कम है। एक कामयाब शख्सियत है जो आपके बीच मौजूद है। खुशी होती है कि जब कोई इस ओहदे पे हुए तो फिर से जोरदार तालियां मिस्टर फारूक अहमद हाफिज के लिए। और जो हमारे यहाँ पे बाकी होटलर्स हैं उनका क्या कहना, अपनी मिसाल आप है, हमेशा आगे रहे हैं ये। आज टूरिज्म को बहुत ही इनकी वजह से बढ़ावा मिला है। आप देख सकते हैं कितने टूरिस्ट कश्मीर आ रहे हैं, ये सब आप सबकी मेहनत का ही नतीजा है। एक बार जोरदार तालियां फिर से। मैं एक शेर बोलना चाहूंगी, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। वो आपके सामने एक जीती जागती मिसाल है सतीश भाई साहब। जोरदार इनके लिए मैं इनसे गुजारिश करती हूँ बड़े अदब और तहजीब से कि वो अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करें। जोरदार तालियां, तालियों की आवाज बहुत काम आ रही है, बहुत ही काम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप साहब कि आप ये सिल्वर जुबली में शामिल हुए, और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि ये जो हमारे सारे गेस्ट हैं जो आज पूरा ऑर्बिट कश्मीर श्रीनगर गुलमर्ग सोनमर्ग पे हम तो उन्होंने देखा ही था, काफ़ी बार देखा था। ये लोग डकसोम अचाबल कुकरनाथ वीरनाथ सिंधन टॉप पूरे अबाकापुर मानस बल खीर भवानी काफ़ी जगह घूम गया है, और इनके चेहरे की जो खुशी मैं देख रहा हूँ, मैं आज शाम को जब से मिल रहा हूँ उनको, वो गए तभी मिला हूँ वापस आए तभी मिला हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। ये जो नया सेक्टर हमने स्टार्ट किए उसकी सीरीज आज एक नई ऊंच हाइट पर जाने वाली पक्की बात है, और इनकी खुशी से उनके एक्सपीरियंस से मुझे पता चल रहा है। और मैं सबसे पहले मेरे अजीज दोस्त सी सुल्तान भाई शेख मोहम्मद सुल्तान भाई को बुलाऊंगा यहाँ पर, वो हमारे गेस्ट का भी परिचय कराएंगे, श्रीनगर के गुलमर्ग के पहले के जो हमारे पार्टनर रहे उनका परिचय कराएंगे, और फिर हम आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ जोरदार तालियां सुल्तान भाई के लिए। सुल्तान भाई के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सुल्तान भाई से मेरी दोस्ती पुरानी है, आज से करीबन 22-25 साल पुरानी मेरी जब से बिगिनिंग हुई, तो जीरो से हमारी सफर में पार्टनर रहे, और कश्मीर जब भी गर्दिश में रहा, जब भी अप डाउन आए स्ट्राइक आए कुछ भी हुआ, वो टाइम टूरिज्म में सबसे स्ट्रॉन्ग खड़ा रहने वाला बंदा सुल्तान भाई है,
जोरदार तालियां दीजिए। पुलवामा के बाद जब कश्मीर बंद हो चुका था, कोविड के बाद 370 के बाद जब कश्मीर एकदम नाजुक दौर से चल रहा था, तभी हमारी रात को 12 बजे 1 बजे तक बात कर रहे थे और हमारी बात वही होती थी, हमारे बिजनेस की बात नहीं कर रहे थे, कश्मीर का टूरिज्म कैसे आगे ले गया। तो ये एक बड़ी खूबी है, इसलिए मैं बिजनेस पार्टनर नहीं गिनता हूँ, लेकिन ये हमारे कैंपेन के पार्टनर है, चाहे लव कश्मीर प्रमोट कश्मीर कैंपेन होगा या कोविड के अनलॉक कश्मीर कैंपेन होगा, सारे कैंपेन में ये हमारे पार्टनर रहे और बहुत ही अच्छी तरह कश्मीर को उन्होंने सपोर्ट किया है। आज कश्मीर का एक नया दौर चला है, लेकिन जो एक इसमें से काफ़ी हमारे होटल रेस्टोरेंट सब ने देखा है, बहुत नाजुक दौर था, मिलिटेंसी थी, कैलेंडर बाहर निकल रहे थे, बंगाल आता हड़ताल होती थी, पत्थरबाजी होती थी, लोग आने के लिए डर रहे थे, यहाँ तक कि हमारे फैमिली वाले डर रहे थे, मुझे यहाँ आता तो वो डर रहे थे कि कश्मीर जावे नहीं जाए, ऐसे नाजुक दौर में से आप सबने कश्मीर जाए और आप सपोर्ट लेके कश्मीर को आगे लेके गए और इसमें हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर है जोरदार भाई, उनसे जोरदार तालियां, तो सबको जरूर सुनाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गहरा व्यू से आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये आपका भड़कपन है, आज हमारे यहाँ ईद का माहौल है, लोगों की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, इस टाइम आपका अपना कीमती वक्त निकाल के सतीश भाई के सिल्वर जुबली में शमूलियत करना, ये कश्मीर की कश्मीरियत का एक बहुत बड़ा मिसाल है और ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि सतीश भाई ने ये फंक्शन हमारे यहाँ कश्मीर में रखा है। यूजुअली बाकी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो बॉम्बे में बाकी शहरों में अपने सिल्वर जुबली मनाते हैं, लेकिन सतीश भाई को कश्मीर से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है इनको कश्मीर से कि इन्होंने सिल्वर जुबली मनाने का ये जो है कश्मीर में रखा है। इसके लिए हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। सतीश भाई के बारे में बता दूँ कि जैसे इन्होंने बताया, मैं पिछले 30 साल से इनसे जुड़ा हूँ, तो ये जब पहली बार कश्मीर आए थे इन्होंने 1998 में शुरू किया था अपना सफ़र, तब ये एक पिलग्रिम ग्रुप लेके आए थे कश्मीर, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहला बंदा था जो इनको यहाँ पे मिला और तब से हम जुड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी जुड़े रहेंगे। उसके बाद इनका सफ़र शुरू हो गया, अकेले इन्होंने कारवां शुरू किया था, तो इनकी दो बेटियाँ हैं शारदा और पूजा, वो अभी छोटी थी उस टाइम, फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाप के बिजनेस को ज्वाइन किया और आज की डेट में सतीश भाई बहुत ही बड़े कामयाब ट्रैवल एजेंट हैं बॉम्बे, जिनका न सिर्फ डोमेस्टिक इनका इंटरनेशनल भी चलता है, इनका पूजा टूर एंड ट्रैवल्स एक कंपनी है, पूजा हॉलीडेज एक और कंपनी है और पूजा इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स एक कंपनी है। सतीश भाई ने अपने जो यहाँ पे बुरे हालात थे, मैं तब की बात करूंगा जब यहाँ पे पहले तो कोविड की मैं बात करूंगा, जब कोविड यहाँ पे हुआ, उससे पहले जब यहाँ पुलवामा का हो गया उस टाइम आप सबको पता है कि यहाँ के हालात क्या थे, सब बिल्कुल बैठ गए थे, या 2016 के बाद जो 16 में पुलवामा ये हो गया था बुरहान का, उसके बाद यहाँ के हालात ये हो गए थे, होटल वाले भी सारे बेकार हो गए थे और ट्रैवल ट्रेड तो बिल्कुल ही खत्म, सारे होटल्स हैं एक एक करके सबका नाम लो तो काफ़ी टाइम जाएगा, लेकिन उस टाइम हम इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे कि हमने बहुत बार कोशिश की कि इस टूरिज्म को कैसे दोबारा से रिवाइव किया जाए, और उस टाइम फिर सतीश भाई ने हमारा साथ दिया और हमने बॉम्बे में उस टाइम एक बहुत ही बड़ा इवेंट किया था जो मेरे ख्याल में आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होगा, और उस टाइम हमने शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैं इस स्टेज से शुक्रिया अदा करता हूँ होटलियर्स क्लब का, अपने KCCI का, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का और टूरिज्म डिपार्टमेंट का, तीनों ने मिलकर बॉम्बे में 5 स्टार में बहुत बड़ा इवेंट किया जिसमें 250 ट्रैवल एजेंट अपने ऑल ओवर इंडिया जितने भी ट्रैवल एजेंट्स थे सबको बुलाया और उनको कश्मीर के बारे में बोला कि ऐसा कुछ नहीं, आप एक बार आ जा, बीच में मुझे ये बुरा लगता है हमारे मेहमान भी हैं बॉम्बे हो भी दी, कुछ एजेंटों ने उस टाइम एक ये चलाया प्रोपेगंडा चलाया पूरे कोई काम करेगा या कश्मीर कोई भी ट्रैवल है कोई भी घूमने के लिए जाएगा उस घूमने वाले के साथ उसके घर वाले भी बायकॉट करेंगे, यानी कि वो अपने घर वालों के साथ भी नहीं रह सकते, नोबडी कैन गो कश्मीर एंड विल बायकॉट कश्मीर, ये ऐसा पेपर में आया था और मुहिम चल रही है। इस सिलसिले में आपको कुछ नाम भी हमारे होटलियर्स हैं या हमारे होटल में काम करने वाले सिर्फ होटलियर्स तो सिर्फ होटल बनाते हैं, लेकिन होटल को चलाने वाले जो शख्सियत होते हैं उनको भी ज़्यादा सलूक करते हैं,
चलाने हम फिर आगे बढ़े और हमने पुलवामा अटैक के बाद एक ऐसा इवेंट बॉम्बे में किया जिसके पॉजिटिव साइंस ऑल ओवर इंडिया के, और उसके बाद ही हमने जर्नलिस्ट का कोई 35 या 40 लोगों का एक ग्रुप हमने यहाँ पे लाया जो टॉप जर्नलिस्ट थे इंडिया के, उनको अपनी लागत पे यहाँ कश्मीर लाया, यहाँ घुमाया, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी थोड़ा उस टाइम हमें उसमें सपोर्ट किया, और जब उन्होंने यहाँ ग्राउंड सिचुएशन देखी, उन्होंने देखा कि सब ठीक है, तो फिर यहाँ टूरिस्ट आना शुरू हुए। उसके बाद एक मरहला और आया जो बहुत सबसे ज़्यादा खतरनाक मरहला था पूरी दुनिया के लिए, वो था कोविड, और कोविड के बाद में अपने आशिम पाक के और एजाज साहब हैं अपने यहाँ पे इंटरनेशनल आने वाले हैं, उनकी भी बहुत बड़ी सर्जरी हम देखने जा रहे हैं, इंशाल्लाह और मिस फयाज हैं, ऐसे सारे हैं जितने भी यहाँ पे हैं, इन्होंने उस टाइम बड़ा सपोर्ट किया और इनकी वजह से एक हमने एक यहाँ पे कश्मीर में एक कंपनी चलाई, और कोविड के बाद हम फिर से अल्लाह के फजल करम से फिर चालू हो गए, फिर इसके बाद क्या कहते हैं पुलवामा के बाद ऐसे कई चीज़ें आई कश्मीर में, लेकिन उस इस सारे देखिए बिजनेस तो अलग चीज़ है, बिजनेस तो सेट कर गया, एट द एंड आप बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं और हम भी बिजनेस ही कर रहे हैं, ये नहीं बोला कि मेरे दोस्त ने 25 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, बल्कि जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ इन्होंने बिजनेस को कम और रिलेशन को और कश्मीर को प्रमोट करने के लिए बहुत बहुत कुछ किया, इन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च किया उस टाइम में जब कोविड के बाद, या शाम जी करता हूँ मुश्ताक साहब चाया के लिए तो मैं बुलाना चाहूँगा शाहिद आपका, सर आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था, चाय सब कब आएंगे सर, हाजिर हो गए मैं वहाँ, चलिए जोरदार तालियां, पूरे बने गए।